नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। प्रदेश में आज से पेंशनर्स की राहें आसान करने के लिए एक बड़ा काम शुरू कर दिया गया है। दरअसल सरकार ने ई पेंशन पोर्टल का लोकार्पण किया, जिस पर अपना ब्यौरा भर देने के बाद रिटायर सरकारी कर्मी को पेंशन भुगतान और अन्य देय के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। कन्नौज एडीएम गजेंद्र कुमार ने बताया कि सरकार के निर्देश पर ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि रिटायरमेंट के 3 दिन के अंदर ही सभी सरकारी कर्मियों का पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी होने के साथ ही उनके अन्य सभी भुगतान की प्रक्रिया भी समाप्त हो जाए। जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनके पेंशन के भुगतान के लिए ये ई भुगतान पोर्टल बनाया गया है, जिसका आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उद्घाटन किया गया है। इसमें लखनऊ में भी कई सामान्य सेवानिवृत्त कर्मचारी को बुलाया गया था और यहाँ पर कन्नौज में भी कई लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए देखा। इस कार्यक्रम इसकी लॉन्चिंग के बाद में जितने भी पेंशन के भुगतान होते हैं अभी भी वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन इसके बाद जो उनका वेरिफिकेशन होता है वो ऑनलाइन होगा। अपने एंड से वो ऑनलाइन इसके फॉर्म को भरेंगे, ऑनलाइन इनका सत्यापन होगा और इनको जो सत्यापन के लिए तब ट्रेजरी आने की आवश्यकता पड़ती थी उसके आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और सीधे ऑनलाइन उनके खाते में जो उनकी पेंशन की धनराशि है वो स्थानांतरित की जाएगी। लखनऊ में ईद को लेकर एडीजीएलओ प्रशांत कुमार का बयान सामने आया। एडीजीएलओ प्रशांत कुमार ने कहा कि साजिश के तहत कोई भी घटना ना हो इसलिए सतर्कता बरती जा रही है। किसी भी धर्म ग्रंथ से बेअदबी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, साथ ही सोशल मीडिया पे भी सख्त निगरानी रखी जा रही है। ईद को लेकर यूपी में 40 कंपनी पीएसी, 7 कंपनी पैरामिलिट्री तैनात की गई है। वहीं 2886 संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया है। कल दिनांक 3/5/2022 को 3 महत्वपूर्ण त्यौहार मनाए जाने हैं, जिनमें चंद्र दर्शन के अनुसार से ईद मनाए जाने का ऐलान हो चुका है और इसके अतिरिक्त अक्षय तृतीया तथा परशुराम जयंती का भी आयोजन होना है। इन तीनों त्यौहारों को लेके पुलिस के द्वारा व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी धर्मगुरुओं से बातचीत हो गई है तथा ये सबको स्पष्ट किया जा चुका है पुलिस और प्रशासन के द्वारा तथा धर्मगुरुओं के द्वारा भी ये अपील की जा चुकी है। हरदोई में कोविड से 2 साल से जूझ रहे लोग इस बार उल्लास के साथ ईद का त्यौहार मनाएंगे। ईद के त्यौहार को लेकर मार्केट में रौनक और चहल पहल नजर आ रही है। बड़े चौराहे से सिनेमा चौराहे तक रोड पर भीड़ ही भीड़ है। दुकानों पर महिलाओं का हुजूम लगा है, लेकिन दुकानदारों का कहना है कि रौनक सिर्फ दूर से नजर आ रही है। मार्केट में भीड़ जरूर है लेकिन दुकानदारी नहीं हो रही है। महंगाई की वजह से लोग सामान खरीदने से परहेज कर रहे हैं। दरअसल ईद के त्यौहार में जो चीज ज्यादा जरूरी है सिर्फ उसको ही लोग खरीद रहे हैं। महंगाई का कारण है, महंगाई है, ऊपर से सन्नाटा तो हर ही चल ही रहा है, सालक भी नहीं चल रही उस हिसाब से जैसे चलनी चाहिए उस हिसाब से सालक भी नहीं है और बिक्री पे तो फर्क पड़ा ही है। महंगाई पे महंगाई इतनी ज़्यादा है तो कस्टमर निकल ही नहीं रहा है घर से, इस वजह से बिल्कुल सन्नाटा है मार्केट में। दुकानों पर भी बहुत सन्नाटा रहता, हम लोग दिन भर खाली बैठे रहते, कोई जैसे चलता क्या उसमें हल्का फुल्का ये चल रहा है लेकिन उस हिसाब से दुकानदारी नहीं है सालक के हिसाब से, बिल्कुल ही नहीं है। लिमिटेड कस्टमर है ही नहीं कस्टमर, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह है कि मतलब आदमी के पास पैसे ही नहीं है। जो पहले कस्टमर तीन तीन चार चार चादरें लेकर जाता था, आज वो कन्नौज में अवैध शराब के ठिकानों पर पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी की, जहां जमीन के नीचे दबा सैकड़ों टन लहन टीम ने नष्ट कर दिया। वहीं मौके से शराब बनाने वाले आरोपी पुलिस टीम को देखकर फरार हो गए। थानाध्यक्ष ने कहा कि अवैध शराब माफिया जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे। बुलंदशहर में अनूपशहर गंगा घाट पर गंगा स्नान के दौरान 5 श्रद्धालु डूब गए, जिनमें 2 की मौत हो गई, वहीं 3 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी खोजबीन में गोताखोर एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। घटना की जानकारी मिलने पर जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और एसएसपी संतोष कुमार सिंह तत्काल मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर जिलाधिकारी और एसएसपी ने अधिकारियों के साथ स्टीम नाव से गंगा का जायजा लिया।
उत्तरकाशी में मां गंगा की उत्सव डोली मुखबा से रवाना हो गई है। उत्सव डोली मुखबा से मार्कंडेय मंदिर देवी मंदिर होते हुए भैरवघाट पहुंचेगी। मां गंगा का रात्रि प्रवास भैरव मंदिर में होगा, जिसके बाद कल सुबह मां गंगा की डोली भैरव मंदिर से गंगोत्री पहुंचेगी। 3 मई को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर शुभ मुहूर्त पर ठीक 11:15 पर माँ गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। माँ गंगा जी की डोली यहाँ पर सभी देवता के सानिध्य में गंगोत्री के लिए प्रस्थान कर गई है। और पिछले वर्ष आपने देखा होगा यहाँ पर 2 वर्षों में 20 और 21 में श्रद्धालु जो है बिल्कुल ना के बराबर थे, क्योंकि किसी को आने की अनुमति नहीं थी। लेकिन इस बार श्रद्धालु में काफ़ी उत्साह है और काफ़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु उपस्थित हैं। आज सुबह से ही लगातार माँ गंगा जी को जो है भोग और प्रसाद अर्पण करके माँ गंगा जी को पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ यहाँ से जो है 6 माह के लिए गंगोत्री के लिए जो है विदा किया जा रहा है। और आने वाले समय में माँ गंगा जी निरंतर जो है गंगोत्री में दर्शन होंगे, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होगी और देश में जो ये कोविड चल रहा है कोविड से भी मुक्ति मिलेगी और माँ गंगा जी सबको स्वस्थ और आरोग्य रखेगी। और कल सुबह ठीक 7 बजे माँ गंगा जी जो है भैरव घाटी से गंगोत्री के लिए प्रस्थान करेगी। ठीक 11:15 बजे माँ गंगा जी के कपाट जो दर्शन हेतु खोल दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शासन स्तर पर सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है, जहां राज्य सरकार ने कुल 16 वरिष्ठ IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। मुकुल सिंघल की सेवानिवृत्ति से खाली हुए राजस्व परिषद अध्यक्ष पद पर संजीव मित्तल को भेजा गया। वहीं आलोक सिन्हा के रिटायरमेंट से रिक्त हुए कृषि उत्पादन आयुक्त के पद पर अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास और पंचायती राज मनोज कुमार सिंह को तैनात किया गया है। रुड़की में इस बार 2 साल के बाद ईदगाह में दुल फितर की नमाज अता की जाएगी, जिसको लेकर तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों में काफी खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। हालांकि कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए सभी नमाजियों को मास्क लगाकर नमाज पढ़ने की हिदायत दी गई है। इस तैयारी को लेकर प्रशासन की टीम के साथ नगर निगम ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। देखिए, अब के रुड़की में जनता में बहुत ज्यादा ईद की नमाज पढ़ने के लिए उत्साह है। देख रहे हैं यहाँ से जो बिजली के वायर थे काफी करीब 25-30 साल से नंगे तार घूमते थे यहाँ पर, खतरा रहता था हमेशा उनका ना टूट के गिरने का, तो इस बार उनको भी हटवा दिया गया है। जब सभी को पता है कि पिछले 2 साल लॉकडाउन में गुजरे हैं और इस बार काफी शहर वाले सब उत्साहित हैं ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए, क्योंकि 2 साल का पीरियड ऐसा रहा है कि सभी लोग परेशान रहे। ये बहुत अच्छा माहौल है, बहुत प्यार का माहौल है और यहाँ पर अभी हम ईदगाह में हैं। यहाँ की ईदगाह में हमें यहाँ के हमारे जो अधिकारी इंचार्ज हैं और उन सब ने बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की है। लगातार जो सफाई का मामला है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। पीलीभीत में अप्सरा नदी में 3 बच्चे डूब गए। दरअसल नदी में जानवरों को नहलाते समय यह हादसा हुआ। बता दें कि इस हादसे में नदी में एक ही परिवार के 3 बच्चे डूबे हैं। वहीं बच्चों के डूबने से इलाके में हड़कंप का माहौल है। ताना जहानाबाद बीसन गांव के पास नहर चलती है, उसमें 3 बच्चे डूबने की सूचना ग्रामीण द्वारा पुलिस को दिया गया था। तत्काल मौके पर लोकल पुलिस पहुंच के तलाश की जा रही थी, बट वहाँ पे गोताखोरों को भी लोकल बुलाया गया है। इसके अतिरिक्त फ्लड प्लाटून PAC की भी अनुरोध किया, वो भी जल्दी पहुँच रहे हैं। SSP कमांडेंट से भी वार्ता हुई है, वो भी अपना फैमैन पावर भेज रहे हैं। लगातार बच्चों को ढूंढा जा रहा है, अभी तक सफलता नहीं मिली है, मगर जल्दी मिलने की संभावना। तो पीलीभीत का ये पूरा मामला है, जहां पर अप्सरा नदी में 3 बच्चे डूबने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि जो बच्चे हैं वो जानवरों को नहला रहे थे, अचानक ये हादसा हो गया। इस हादसे में एक ही परिवार के 3 बच्चे डूब गए हैं। वहीं बच्चों के डूबने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आसपास के लोगों ने बच्चों को बचाने की कोशिश की है, जिसके बाद मौके पर पुलिस बल भी पहुंचा है। बच्चों की छानबीन की जा रही है। सिद्धार्थनगर के देबरुआ थाना और सर्विलांस टीम की पुलिस ने अवैध शराब का कारोबार करने वाले 5 अंतरजनपदीय अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से भारी मात्रा में ब्रांडेड कंपनियों के रकम और QR कोड सहित अन्य सामग्री बरामद की। देखिए, गंभीर प्रकरण है जिसमें थाना देबरुआ की पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। 5 अभियुक्तगण हैं। ये लोग नकली होलोग्राम, आबकारी के नकली होलोग्राम और ढक्कन, जो शराब की ढक्कन होते हैं बोतल के, वो ये लोग ठेकों को सप्लाई करते थे और ठेके के जो मुनीम थे वो हमारी जो एक्साइज की जो शराब होती है, ओरिजिनल वाली जो शराब होती है, उसको निकाल के उसमें पानी इत्यादि भर के और दोबारे से होलोग्राम रैपर लगा के, दोबारे से ढक्कन लगा के
और कस्टमर्स को बेचते थे। इस तरीके के गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। इसमें लगभग 8,000 ढक्कन पुलिस ने बरामद किए हैं, 2,000 QR कोड बरामद किए हैं। इसके अलावा जो शराब इन्होंने अवैध रूप से निकाली थी बोतल से, उसको बरामद पुलिस ने किया है। मोटरसाइकिल जिससे परिवहन करते हैं सब चीज़ों का, उसको बरामद किया है। इसमें एक्साइज की टीम को भी सूचना दी गई, तो एक्साइज की टीम ने जाकर जब उसमें छापा मारा ठेके पे, तो पता चला कि उसमें जो बोतलें बिक रही हैं उन पर नकली होलोग्राम और नकली रैपर इत्यादि लगे हुए हैं। लखनऊ में जीआरपी पुलिस ने बच्चे का अपहरण करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि आरोपियों ने चारबाग रेलवे स्टेशन से शनिवार रात करीब 2 वर्षीय बच्चा चुरा लिया। जीआरपी पुलिस ने आरोपी महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। तो लखनऊ का एक पूरा मामला है जहां पर बच्चा चोरी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जीआरपी पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो लखनऊ का यह पूरा मामला है जहां पर जीआरपी पुलिस ने बच्चे का अपहरण करने वाले आरोपियों को धर दबोचा। बता दें कि आरोपियों ने चारबाग रेलवे स्टेशन से शनिवार रात करीब 2 साल का मासूम बच्चा बताया जा रहा है जिसको चुराया था। जीआरपी पुलिस ने आरोपी महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। उस बच्चे को उठा के और वहां से जाके स्कूटी वाले उन दोनों महिला पुरुष के साथ बैठ के तीनों लोग बच्चे को लेके निकल जाते हैं। तो ये बहुत वाइटल इन्फॉर्मेशन थी, महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी जो CCTV फुटेज से पुलिस ने प्राप्त करी। तत्पश्चात हम लोगों ने इस बारे में सभी लोग लगे कि ये कौन महिला और पुरुष है। तो हमारे कुछ आरक्षी हैं, जिसमें एक आरक्षी विमल कुमार हैं जो जिले में काफ़ी समय रहे हैं, SOG वगैरह में रहे हैं, उन्होंने भी देखा और लोगों ने देखा तो उन्होंने शक जाहिर किया कि ये महिला शायद आशियाना क्षेत्र में काम करती है और वहाँ की है। फिर आशियाना पुलिस से संपर्क किया गया। पर चारबाग रेलवे स्टेशन पर अपहरणकर्ताओं ने एक मासूम जो कि 2 साल का बताया जा रहा है उसको चुरा लिया और भागने की कोशिश की, लेकिन जीआरपी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मासूम को सकुशल ढूंढ लिया है और महिला समेत ये जो 4 आरोपी हैं इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो लखनऊ का ही पूरा मामला है जहां पर चारबाग रेलवे स्टेशन पर एक 2 साल के मासूम को शनिवार रात कुछ लोग लेकर भागने लगे, तभी जीआरपी पुलिस को शक हुआ। जीआरपी पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि अपहरणकर्ता है, मासूम को अपहरण कर ले जा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मासूम को सकुशल ढूंढ लिया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ।